अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं गले पर गोटा का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ प्रॉपर से समझ में आ सके। तो चले आएँ, शुरू करते हैं। ये हमने 9 इंच का पट्टी लेना है इसका, और गला हमारा है 7 इंच का गला है, 3 इंच का फैलावा है ऊपर का। यहाँ से हमने रखना है 2 इंच का, 1 इंच का इधर, 1 इंच का उधर, तो 2 इंच का यानी क्या हमारा चौड़ाई आ गया। इस तरह निशान के ऊपर हमने निशान लगा लेना है इसको चौक से। इस निशान के ऊपर रख के हमने कटिंग करना है। यहाँ से भी हमने 1 इंच का रख के इसको कटिंग कर लेना है इसको। ये हमारा गला कटिंग हो गया है, अब इसको गले को हम कमीज के ऊपर चिपका लेंगे। ये हमने 3 इंच का ऊपर से यानी कि चौड़ाई का निशान लगा लेनी है इसको, और उसके बाद इसको कटिंग कर देंगे इसको हल्का सा। हमने गले को चिपका लिया है, इसको दबाव रख के इसको कटिंग कर देंगे हम इसको। ये हमने कटिंग कर लिया है इसको, अब इस तरह से स्त्री से हमने इसको मोड़ लेना है इसको बराबर बराबर इसको इस तरीके से। इसको प्रेस से हमने इसको मोड़ लिया है, ये आप देख सकते हैं। हमारी चौड़ाई 3 इंच है, लंबाई हमने लिया है 11.5 इंच का। इसको इस तरह से हम चिपका लेंगे। ये हमने कपड़े के ऊपर चिपका लिया, इसको बराबर से रख के हमने कटिंग कर देना है इसको। ये हमने चिपका लिया, इसको काट लिया बराबर बराबर से। हम इसको यानी कि एक एक बोट का यानी लाइन लगाएंगे इसको इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं, ये हमने निशान लगा लिया है। ये हमारा गोटा है, हम बाबिन का अंदर भरेंगे इसको इस तरीके से। ये हमने बाबिन भर लिया इस तरीके से, अब इसको इस तरीके से बाबिन के अंदर इसको लूज कर देंगे। ताकि सिलाई हमारे आराम से आ जाए।
हमारी खूबसूरत ये पट्टी तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं इसको। इस्त्री के वजह से हमने इसको फोल्ड कर लिया था, अब इसके साथ इसको हमने अटैच कर लेगा इसको इस तरीके से। इसको दबा सहने के हमने दबाव के साथ इसको मोड़ लेना है इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं, ये हमने खूबसूरत सा लैस गोटा लैस लगा लिया है। इसके बाद हम ये बिटकी एक एक खानों में इसमें चुपका देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमने बिटकी चुपका दिए और इसी के साथ ये हमारा खूबसूरत सा गला तैयार हो गया है। अगर आप लोग हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही वीडियो को शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिल सके, और वीडियो के मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। शुक्रिया।